हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप के प्लेन्स में पीवीएस गेमिंग की टीम ने ये प्रूफ कर दिया कि इंडिया की टीम्स भी किसी से कम नहीं है। पहले भी गाइस मैंने अपने किसी वीडियो पे बोला था, मुझे याद नहीं है, याद आएगा तो मैं स्क्रीन पे वो वीडियो डाल दूंगा, मतलब आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो गाइस मैंने पहले भी बोला था पीवीएस का एक ही प्रॉब्लम है, पीवीएस कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पाती, मतलब वो बहुत तगड़ा डोमिनेशन दिखाती है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं तो कर गाइस तुम पाती। लोग को एफआईसी का जो पीवीएस का डोमिनेशन था वो याद होगा कि पीवीएस ने 3-4 मैच में इतना स्कोर कर लिया था कि बाकी टीम्स वो स्कोर कवर अप नहीं कर और पाई। एफआईसी का लास्ट 2 मैच या फिर 3 मैच पीवीएस का जो है गेम बहुत ज़्यादा खराब गया, वो लोग टॉप 10 या फिर टॉप 11 में शायद एलिमिनेट हो रहे थे। तो गाइस सेम चीज़ पीवीएस का फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप के प्लेन्स में भी हुआ। ना क्या चाहते हो? मैं गाइस तुम लोग को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि मान लो एक टूर्नामेंट है जिसमें 2 मैच होंगे, तो पहले मैच एक बरमूडा मैच होगा और एक परगट्टी मैच होगा। तो बरमूडा में पीवीएस जो है बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाती है, 12-13 किल निकालती है, अच्छी अच्छी टीम्स को भगा भगा के मारती है। और जो सेकेंड मैच परगट्टी होता है उसमें 10 नंबर पर 9 नंबर पर एलिमिनेट हो जाती है, मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाती अपना परफॉर्मेंस एक ही भी गाइस टूर्नामेंट में। मैं बोलने लग जाऊंगा तो बहुत सारी बात है। पीवीएस अगर अपनी इस प्रॉब्लम को फाइंड करके फिक्स कर दे तो पीवीएस का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है स्पोर्ट में। तो गाइस आप जो बहुत सारी फालतू बातें कर ली, लेकिन गाइस पीवीएस के बारे में मुझे ये सारी चीज़ें बोलने का बहुत दिनों से मन था और इसके ऊपर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी लाना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिले तभी जाके पीवीएस के ऊपर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। और गाइस मैं पीवीएस की क्यों इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ वो तो तुम लोग को ये वीडियो पे जो प्लेन्स का मैंने क्लिप डाला है वो देखने के बाद पता चल जाएगा। तो पीवीएस ने फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप के प्लेन्स में ग्रुप बी में CCCG ने टेबल टॉप किया था, तुम लोग को पता होगा। उस टूर्नामेंट में पीवीएस ने CCCG को भगा भगा के मारा था और एक टीम थी वो भी पीक में आई थी पीवीएस के साथ, उनको भी मारा था। तो गाइस तुम लोग क्लिप एंजॉय करो, बाय, और हाँ सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं और CCCG ऑफ कोर्स से बात हॉट ड्रॉप्स करती है, चली जा चुकी है हमारी पीक के ऊपर और पीक पे इस बार कोई और टीम नहीं जा रही। पीवीएस अक्सर पीक पर उतरती है बट शायद से पीक इस बार अशांत रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गोलियां चलने वाली है, CCCG साथ में होने वाली है, हमारी तो बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा संकेत है कि पीवीएस अपने जोन की तरफ। सोलो फाइट जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टीम्स के लिए, बट पीवीएस ऑन द अदर साइड वो यहाँ पर किल्स कंफर्म करेगी, कोई को कैन को यहाँ पर डाउन कर देंगे एंड यहाँ पर CCCG के साथ फाइट करी योगी, दे नॉट स्टॉपिंग एंड एज यू सेड और आगे जोन में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आपने एंड अपने जोन में अगर एंटर कर गए पीवीएस तो उनको यहाँ पर रोकना भी मुश्किल होने वाला है कोई भी टीम को, बट कोई को यहाँ पे शट डाउन जरूर किया गया है डायर की तरफ से, बट इंस्टेंट यहाँ पे रिवाइवल आ जाएगा CCCG को अगर ये एलिमिनेट कर दे तो कॉन्फिडेंस दूसरे के तौर पर भी आएगा बिकॉज अभी अभी एक टीम को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एलिमिनेट करा है और उन्होंने टोटली गेमिंग ऑन दियर साइड मिल की तरफ एक दूसरे को डाउन करे थे, बट सोलो फाइट सोलो लोगों ने हारा, इंडिविजुअल फाइट हारे, इस वजह से एक ही तरह पे फिलहाल सर्वाइव करे टोटल गेमिंग की तरफ से, इट्स नॉट ओवर येट। सो ऑब्वियसली एक डर भी अपने टीम को यहाँ पे पोजिशन पॉइंट एटलीस्ट निकाल के नहीं देगा, बट अभी के लिए पीवीएस से होप्स है, बट डेडबू के जो शॉट्स है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन थे, यहाँ पे योगी को डाउन किया गया है बट फिनिश नहीं कर पाए, थोड़ा सा यहाँ पर बच गए हैं वो, दिस माइट बी ट्रबल एज वेल बिकॉज CCCG देखिए आप पुशिंग करें ट्राई करें पर जैसे ही पुशिंग करें शॉट्स आ रहे हैं पीवीएस तरह से बहुत ज्यादा अच्छे से, यहाँ पे कवर फायर आ रहा है गार्ड डायरेक्ट माफ कीजिएगा आगे बढ़े थे हेड पे बनाओ करेगा ग्रेनेड काम आया बट शिव तो यहाँ पे ट्रेड आउट कर दिया गया है, सराउंड किया जा रहा है इको इको फाइन वर्ड बट इंस्टेंट ट्रेड उनकी तरफ से भी आ चुका है, मोमो क्या बन पाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट बनाओ मोमो एक लॉस इधर बच गए एंड उनको यहाँ पर अब कॉल बैक करना पड़ेगा पीवीएस दे आर बैक बेबी जी हाँ, यहाँ मैं अगर मैं बात करूँ तो एक अलग ही उत्साह होगा जितने भी दर्शक देख रहे हैं उस टाइम पे, 4 किल ऑलरेडी एंड यहाँ पे किल लीडर बन चुके हैं, साथ जितने लोग भी देख रहे हैं साथ उन्होंने हाथ जोड़ लेंगे भैया यहाँ पे किसी तरीके से गेम निकले एंड एक बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं स्टेटमेंट दे दिया पीवीएस ने कि यार हम वापस आ चुके हैं, उन्होंने 5 किल ऑलरेडी खाते में यहाँ पे एक कर चुका, वो नेट के साथ किल निकलेगा एंड 5 किल के साथ आखिरी किले पॉइंट डाउन कर सकने का ट्राई करें बट इस टाइम पे ये रिस्की मूव नहीं लेना है, जितने किल आपने निकाले उससे बहुत और छठा किल भी अपने खाते में, दो दो टीम्स को कड़ी टक्कर दे चुके पीक पे एंड हॉट ड्रॉप पे जा करके, बहुत बड़ा स्टेटमेंट एंड टीम के साथ जिसकी इनकी फाइट थी CCCG वो भी दूसरी पीवीएस ही समझ लीजिए, वो एक दूसरी पीवीएस है जो एक दूसरी कंट्री से बिलोंग करती है और जब दोनों के बीच में फाइट हुई सच में यार बहुत इंटरेस्टिंग फाइट थी वो।